पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस के अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती को बनाया गया है। सनद रहे कि वर्ष 2016 से 2019 तक जिला अध्यक्ष के पद पर वे आसीन थे। उसके बाद तरुण राय को जिला अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश कोर कमेटी के निर्देश पर केंद्रीय कमेटी के महासचिव वेणुगोपाल ने देवेश चक्रवर्ती को फिर से जिला अध्यक्ष बना दिया है। इस मौके पर देवेश चक्रवर्ती ने कहा कि वह सबसे पहले बूथ स्तर से पार्टी को मजबूत करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने किसी कारणवश पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो गए हैं या फिर पार्टी छोड़कर घर पर बैठ गए हैं, उन लोगों को पार्टी में लाकर प्राथमिकता दी जाएगी। पुराने कांग्रेस के लोगों को पार्टी कार्यों से जोड़ा जाएगा। कांग्रेस को जमीनी स्तर से मजबूत किया जाएगा। कांग्रेस को फिर से शक्तिशाली बनाया जाएगा। पार्टी के अंदर किसी प्रकार की गुटबाजी एवं अंतर्कलह होने नहीं दिया जाएगा। सनद रहे कि पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी श्री सोमेन मित्रा के देहांत के बाद जब से नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अधीर रंजन चौधरी को पदभार मिला है, तभी से यह सांगठनिक फेरबदल जारी है तथा इसी क्रम में नए जिला अध्यक्ष के रूप में देवेश चक्रवर्ती को प्रभारी बनाया गया है। यह चर्चा इसलिए भी गर्म है कि इन दिनों 2021 के विधानसभा चुनाव में वाम फ्रंट तथा कांग्रेस के एक साथ एकजुट होकर तृणमूल कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ने की भी बात कही जा रही है। Music